बच्चों आज हम क्लास एट्थ की वर्कशीट थर्टी एट करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जिसमें हम जानेंगे कि जंतुओं में जनन कैसे होता है पहले हिंदी मीडियम में उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आपने पीछे जो वर्कशीट हमने पढ़ी थर्टी सेवन वर्कशीट उसमें पढ़ा था कि कैसे निषेचन होता है अब निषेचन होने के बाद युग्मनस बन जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उसमें कैसे भ्रूण बनता है कैसे बच्चा पैदा होता है तो अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है निषेचन होता क्या है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो वो युग्मनज में बदल जाते हैं उसके बाद भ्रूण का विकास होता है निषेचन जैसे ही होता है उसे युग्मनज बन जाएगा जो भ्रूण में विकसित होने लगता है और जब युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं और कोशिकाएं जब समूह बनाने लगती हैं तो शरीर के अलग अलग उत्तक और अंगों में विकसित हो जाती हैं और इस तरह एक विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है जैसे आप इसमें देख रहे हैं अंडाणु शुक्राणु का निषेचन हुआ जब वे हो गया तो ये युग्मनज बना युगमनज से बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग बच्चे की कोशिकाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं और वो भ्रूण का रूप धारण कर लेता है और जो भ्रूण है वो गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है इसलिए गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है वह धीरे धीरे शरीर के अलग अलग अंग जैसे हाथ पैर सिर आँख नाक कान का विकास होना शुरू हो जाता है और भ्रूण की वो अवस्था जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों को पहचाना जा सके उसे गर्भ कहा जाता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो एक नवजात शिशु का जन्म होता है तो इस तरीके से निषेचन के बाद होता है शिशु का जन्म कि जो अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं विकसित भ्रूण है ये धीरे धीरे गर्भाशय की ये दीवारें हैं फिर गर्भाशय में बच्चे के फीचर्स जैसे कि दिख रहे हैं आपको अलग अलग फीचर्स बच्चे के डेवलप होने लग जाते हैं और गर्भ में बदल जाता है और नौ महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है गर्भाशय में रहता है और उसके बाद एक नवजात शिशु का जन्म होता है तो ये जो वर्कशीट हमने पढ़ी इसमें कुछ क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इसको वीडियो को दोबारा सुनकर या वर्कशीट को पढ़ कर, आप अच्छे से कर सकते हैं Now the time for the English medium students, and the today's worksheet is worksheet thirty-eight for eighth class, and very interesting topic that is reproduction in animals. Now in the previous worksheet you have studied about fertilization. That is the fusion of male and female gametes. After fertilization, they are converted into zygotes, and that is called fertilization. Now after fertilization, what happened? Then there is a development of embryo and fertilization results in the formation of the zygote which begins to develop into an embryo the zygote divide repeatedly to give rise to a ball of the cells called embryo and then these cells again begin to form groups that develop into different tissues and the organs of the body and this developing structure is called embryo and after developing this structure the fusion of the uh, male and female gametes are converging into zygote zygote converted into embryo and then embryo gets embedded in the walls of the uterus for the further development and the embryo continues to develop in the uterus it gradually develops body parts such as hands legs head eyes and ears and the stage of embryo in which all the body parts can be identified this is called fetus so this is very interesting worksheet. And when the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the infant. I hope you understand the concept, how reproduction is taking place, how the development of the embryo or the fetus or infant is giving, um, how mother gives birth to the child. On the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. Keep watching, Super Vigyan. Thank you so much.